ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव, कोरोना वायरस से संक्रमित सचिन तेंदुलकर, ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सभी लोग कोरोना नेगेटिव हैं, उनको कोरोना नहीं हुआ है, अपने घर में क्वारंटीन हुए सचिन तेंदुलकर और उनको कोरोना, सचिन तेंदुलकर को कोरोना, कोरोना वायरस से संक्रमित। आप जानते हैं केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक अलार्मिंग सिचुएशन है महाराष्ट्र में खासकर, क्योंकि देश में जितने मामले हैं उसके 60-70% तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, 35,000 से 40,000 महाराष्ट्र से केसेस, और सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित। सचिन तेंदुलकर ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद दी है, उन्होंने कहा कि वो अपने ही घर में क्वारंटीन हुए हैं, डॉक्टर से उचित सलाह मैं ले रहा हूँ, ये सचिन तेंदुलकर ने कहा है। उन्होंने कहा कि परिवार के बाकी सभी लोग जो हैं वो नेगेटिव हैं, कोरोना नेगेटिव है, उनको कोरोना नहीं हुआ लेकिन मुझे कोरोना हुआ है और वो घर में क्वारंटीन हो रहे हैं। आप जानते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है कोरोना को लेकर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 53,000 60,000 एक एक दिन में इतने इतने केसेस महाराष्ट्र में खासकर, अलार्मिंग सिचुएशन महाराष्ट्र में और ज्यादा स्थिति विकट है, खराब है, पूरे देश में जितने मामले हैं उसमें से 60-70% तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अपने घर में ही क्वारंटीन हुए सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ये जानकारी खुद दी है कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरे परिवार के बाकी सदस्य जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनको कोरोना नहीं हुआ लेकिन मुझे कोरोना हुआ है, मेरे परिवार के सभी लोग कोरोना नेगेटिव हैं, ये कहा है सचिन तेंदुलकर ने, और अपने घर में क्वारंटीन हुए सचिन तेंदुलकर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।